अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, ये परेशानियाँ आरजी है, कामयाबी अल्लाह का वादा है। मेरा रब ना कभी मुझे तन्हा छोड़ता है और न ही मुझसे बेजार होता है। मेरे पास उससे अच्छा रफीक कोई नहीं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। और हमारा ये भरोसा ही हमारा ईमान है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि किस तरह पता लगाया जाए कि इंसान पर आने वाली मुसीबत सजा है या आजमाइश। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो मुसीबत इंसान को अल्लाह से दूर करे वो सजा है, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब करे वो आजमाइश है। जुमा के दिन फरिश्ते ज़मीन पर सोने की वरक और चांदी के कलम से दरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। जुमा के दिन सूरज गुरूब होने तक जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ें और ये आगे भेजें ताकि कोई इसकी नेकी से महरूम न रहे। अल्लाह आपको इसका अजर दे। जुमा मुबारक। गौर करें, दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, क्या उस 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले को उसकी खबर नहीं। बस इत्मीनान रखो, उसकी यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जब कोई तुम पर जुल्म करे तो तू मेरे इंतकाम पे राजी हो जा, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। शुक्र अदा करो उन तकलीफों का जिनकी वजह से तुम अल्लाह की राह पर चल दिए। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। वो रब आहटे भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सबर आजमाता है। बेसहारों का सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब सारी दुनिया ठुकराती है तो उम्मीद की रोशनी और वाहिद सहारा सिर्फ अल्लाह है, वो टूटने नहीं देता। कभी कभी गुनाहगार का नदामत भरा एक आंसू मगरूर की इबादत से सबकत ले जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ने अपने तकरब की जितनी राहें दिखाई हैं उनमें सजदे के अलावा सब राहें मखलूक से मोहब्बत की राहें। जानते हो, तुम्हें मुश्किल में डालने से पहले अल्लाह पाक तुम्हें मुश्किल से निकालने का वसीला बनाता है। खूब है नाम मोहम्मद जिसमें नुक्ता गवारा नहीं, खुद रब ने है फरमाया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्सा के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको हजार दफा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। इल्म ये है कि आपको मालूम हो के क्या कहना है, और हिकमत ये है कि आपको मालूम हो के कब कहना है। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अल्लाह के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हाथ इस बात का सबूत है कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। बेशक वो अता करे तो शुक्र उसका, वना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। और अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। मुझे ज़रूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए साथ हो, मैं खुश हूँ अपने अल्लाह के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। रात की तन्हाई में खामोशी से जब दुआ मांगो तो लगता है अल्लाह सिर्फ मेरा है।
नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में करवाहट बढ़ती जा रही है। जुबान से मिठास कम हो रही है और जिस्म में शुगर बढ़ती जा रही है बिल्कुल। और वो सब जानता है, दिलों के हाल भी, ख्यालों के राज भी। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीजों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना बेहतर है। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सबर इख्तियार करो। अल्लाह के फैसले को समझना इंसान की अकल से बलातर है। जब क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, तब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, आमीन। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, सवाल नमाज का ही होना है। मेरा ईमान है कि मेरा रब दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। इंसान उस मंजिल की फिक्र बहुत कम करता है जिसके लिए ये सारा सफ़र है। बेटियों के लिए भी हाथ उठाया करो, हर बार सिर्फ रब से बेटा नहीं मांगा करते। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है, अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है, अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा है तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहो। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए या आपसे मुंह फेर ले तो गमगीन मत हो, क्योंकि मुमकिन है कि ये आपकी उस दुआ का नतीजा हो जो कभी आपने मांगी थी कि ऐ अल्लाह हर उस शय को मुझसे दूर कर दे जो तूने मेरे हक में बेहतर नहीं लिखी। एक सूरत की तारीफ के लिए 114 सूरतें उतरी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे लोग आपसे कितना खुश हैं। हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई सिफत जरूर मौजूद होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुस्तकबिल में ऐसे फितने उठ खड़े होंगे जिनकी आग में मोमिन हलाक होंगे और गैर मुस्लिम उनसे बच रहे होंगे। ईमान दिल में एक सफेद नुक्ता की तरह जाहिर होता है, फिर जितना ईमान बढ़ता है वो नुक्ता भी बढ़ता जाता है। जब ईमान मुकम्मल होता है तो वो नुक्ता सफेद नूरानी पूरे दिलो दिमाग पर छा जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। बे इंतहा गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। समझ में नहीं आता कि किस बात पर उसका शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या अपने ऐबों की पर्दापोशी पर। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देती हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। नेमत से बगावत करना जवाल का आगाज है, इस्तग़फ़ार का सफ़र शुरू करना उरूज का आगाज है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सर बुलंदी का वजीफा है और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम याफ्ता बंदों का वीरत। अल्लाह करीम हमें इस्तग़फ़ार की तौफीक अता करे और अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सोचे और अच्छा बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। जैसा तुम अल्लाह को कल के लिए चाहते हो, तुम आज उसके लिए वैसे ही बन जाओ। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, मगर अल्लाह के नवाजने में कमी नहीं हो सकती। कुछ वक्त लेती है लेकिन दुआएं कबूल होती हैं, हाँ जरूर होती हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल लिया है वो कल भी तुम्हें संभाल लेगा, बस रब पर भरोसा रखो।
लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, अल्लाह रहीम है हमेशा साथ रहता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हमारा यकीन कमज़ोर है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे कोई बुराई हो जाए तो उसके बदले कोई नेकी करो जो उसे मिटा दे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी नेकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो अफजल नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह।